बजी, पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की सीटी बजी, अजी हंसी मची, बच्चों की मोर की लहरी, हिरन सुनहरी उछल रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज मैं हूँ बायकला स्टेशन पर और हम जा रहे हैं जीजा माता उद्यान या बायकला जू, जिसे रानी बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये बायकला स्टेशन से सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। बायकला स्टेशन आपकी जानकारी के लिए CST फास्ट ट्रेन से आप पहुँच सकते हैं। ये एक फास्ट ट्रेन का स्टॉपेज है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जीजा माता उद्यान। सो गाइज़, हम फाइनली पहुंच गए हैं जीजा माता उद्यान, बायकला जू या रानी बाग। तो आपकी जानकारी के लिए बायकला जू या रानी बाग मुंबई का सबसे पुराना पब्लिक के लिए ओपन जू है और उसी के साथ बोटैनिकल गार्डन भी है। और सबसे पहले इसका नाम विक्टोरिया गार्डन था, उसके बाद रानी बाग पड़ा और इवेंचुअली फिर इसे जीजा माता उद्यान या बायकला जू के नाम से भी अब जाना जाता है। और आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितनी इसकी टिकट है, कितनी इसकी टिकट की कॉस्ट है और अंदर क्या क्या है। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं जीजा माता उद्यान के टिकट काउंटर पर। अब तो मैं एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना भूल गया। जब आप बायकला स्टेशन पे उतरेंगे तो आपको बायकला ईस्ट साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 4 के एग्जिट से आउट होना है और वहाँ से आपको 5-10 मिनट वॉकिंग करनी है टुवर्ड्स लालबाग। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि क्या बोलते हैं जीजा माता उद्यान या बायकला जू कहाँ पर है और कोई भी आपको गाइड कर देगा। सो गाइज, हमें टिकट मिल गई है, हमने टिकट खरीद ली है। 50 रुपीज़ की एक टिकट पड़ती है आपको, आप जीजा माता उद्यान जाना चाहते हैं तो। और ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो इसमें जो बार कोड बना है उसको स्कैन करके आप अंदर जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी का बहुत ही सही उपयोग किया है। और ठान रख पुत्र, घबराने की लोड़ नहीं है, ठीक है। अब आप जैसे ही जीजा माता उद्यान के गेट से अंदर घुसेंगे, सबसे पहला जो आपको स्टैचू दिखेगा, जो सबसे पहले देखने लायक चीज़ लगेगी दिखेगी, वो है सर एल्बर्ट एडवर्ड 7 का ये स्टैचू, ब्रॉन्ज स्टैचू। और इसे पॉपुलरली हम काला घोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ओरिजिनली जो ये स्टैचू था वो डेविड ससून लाइब्रेरी के सामने बना था, लेकिन 1965 में इस स्टैचू को शिफ्ट किया गया। आइए देखते हैं और क्या क्या है इस बेहद ही गजब के उद्यान में। अब आप जैसे ही जीजा माता उद्यान से अंदर घुस करके लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहला एनिमल जो आपको दिखेगा वो है एलिफेंट, अर्थात हाथी। तो एलिफेंट्स जो हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, इनकी 3 स्पीशीज़ होती है। एक होती है अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स, दूसरे होते हैं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स और तीसरे होते हैं एशियन एलिफेंट्स। तो जीजा माता उद्यान में इस समय जो मैंने आपको दिखाया है, इससे यहाँ पर एशियन एलिफेंट्स हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 महावत हैं उनके साथ और 2 हाथी हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से जीव इस उद्यान में हैं। A few moments later. तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप जीजा माता उद्यान आएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आप भटक जाएं, क्योंकि पूरा जो जीजा माता उद्यान है बहुत बड़ा, 50 acres ऑफ लैंड में है बायकला के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, तो भटकने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो समय समय पर आसपास के लोगों से पूछते रहें कि आगे कहाँ पर कुछ देखने लायक है, कहाँ पे नेक्स्ट जीव देख सकते हैं हम,
तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं अब तक आपको एलिफेंट्स दिखा चुका हूँ, यहाँ पर हर जगह पर आपको दिखेगा कि हर पौधे के ऊपर उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है और उसका जो कॉमन नेम है वो लिखा हुआ है और उसकी फैमिली लिखी हुई है। तो बचपन में हम क्लास 9th में जब थे तभी बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड करके क्लास 9th में एक चैप्टर था और उससे हम सब खौफ खाते थे। तो उसकी एक झलक और उसकी एक क्या बोल सकते हैं मेमोरी वापस याद आ गई ये देख करके, जैसे कि इनके नाम नहीं लिए जाते थे भाई, पाथोडिया कैमा पानुलुटा समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अफ्रीकन ट्यूलिप ट्री, ये थोड़ा सही साउंड कर रहा है, पिचकारी भी बोला जाता है, और इसकी फैमिली है बैगनोनी नियासिये। तो अब तक नाम नहीं लिए जाते भाई इनके, तो होप कि क्या बोलते हैं आगे थोड़ा हमारे लिए सिंप्लीफाई हो सके ये, और जो नाम बनाने वाले हैं वो थोड़े सिंपल नाम बनाएं, क्योंकि ऐसे नाम लेना सीरियसली मतलब आदमी की दे आर लिटरली टंग ट्विस्टर्स। तो दैट वाज एन एनेक्डोट सॉर्ट ऑफ। तो इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है एशियाटिक बेयर, और जिसे हम भालू के नाम से कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं। तो हमने जैसे देखा कि इनको पुराने ज़माने में ग्रेटो नाम के एक स्ट्रक्चर में रखा जाता था, लेकिन अब जो बायकला जू में आप जिस तरह से देख रहे हैं, इन लोगों ने एक नेचुरल हैबिटेट सा क्रिएट किया है इस भालू के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हनी बी के जो छत्ते होते हैं उसका भी एक स्ट्रक्चर सा क्रिएट किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भालू को बहुत अकेले रखा गया है इस समय। तो ये लिटरली उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा कि अकेले, और वहाँ आप देख सकते हैं एक बॉल भी है, एक झरना भी है, तो एक नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करने की कोशिश की है, बट स्टिल अकेले तो बेचारा पक जाता होगा यार। सो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बेयर के बारे में, ब्लैक बेयर दिखाया और उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी। तो आपकी जानकारी के लिए, वो एशियाटिक ब्लैक बेयर नहीं था, वो एक स्लॉथ बेयर था। तो मैंने जस्ट अभी देखा तो मैंने कहा कि मैं अपने आप को करेक्ट कर दूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं दे हैव ऑल्सो मैंशन कि भाई उसको जो स्लॉथ बेयर है वॉट एग्जैक्टली ही लाइक्स एंड वॉट इज़ हिज फूड। So he eats termites, insects, fruits, honey and maize. So this is what his diet is. And what is his characteristic? It's I am called sloth bear. Though I appear slow and sluggish, I can run faster than you. तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष की ओर, जो कि इस जगह की सबसे विशेष बात है, सबसे ख़ास बात है। तो ये पेंगुइन जो हैं ये साउथ कोरिया से पिछले 2-3 साल पहले ही लाए गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है और अगर कोई स्टॉक वीडियोज़ मेरे पास होंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा इनके इनसे रिलेटेड। तो पूरे भारत में मेरे ख्याल में पेंगुइन और कहीं आपको देखने नहीं मिलेंगे, सिर्फ जीजा माता उद्यान में देखने मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही यूनिक और बेहद अनोखा अनुभव है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखने आएँ इस पेंगुइन कक्ष में पेंगुइनों को। तो यहाँ पर -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इन पेंगुइनों के रखरखाव के लिए। तो आइए अंदर चलते हैं और इन पेंगुइनों के बारे में और पता करते हैं। Awesome. Enjoying the music.
हैप्पी। सो गाइज दिस इज इट, दिस वॉज अ ब्रीफ टूर ऑफ जीजा माता उद्यान। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये उद्यान की मैं कुछ अच्छी झलके दिखा पाया हूँगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं और ज़्यादा एनिमल्स और ज़्यादा क्या बोलते हैं फ्लोरा के बारे में इस समय बात नहीं कर पाऊँगा। तो आपको ये जगह बिल्कुल विज़िट करनी चाहिए। 26 जनवरी को ये वापस रिनोवेट हुई थी और भी काफ़ी सारी जो है इसमें नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 3D ऑडिटोरियम बन रहा है और उसके साथ साथ आपको पेंगुइन को देखने मिल रहा है। तो आप ज़रूर आइए जीजा माता उद्यान। मेरे बिहाफ पे बस इतना ही। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, भावजी म्यूज़ियम भी है, तो वो भी आप बिल्कुल एक्सप्लोर करिए। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप और ऐसे ही वीडियोज़ समय समय पर देख सकें, सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर नाउ और बाय बाय।